गाइस, किरण इंग्लिश 16800 से एक नया टॉपिक, कॉमन एरर काफ़ी समय से करा रहे हैं, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। बहुत प्यारा टॉपिक है और एग्ज़ाम से पहले इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि 90+ मार्क्स लाने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। वह एक्स्ट्रा कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का ये डे वन है आपका, इसमें हम लोग इस बुक में आए हुए कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सोल्व करेंगे। यस गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि हम लोगों ने किरण इंग्लिश 16800 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है बच्चों को, तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। द मैन हुम आई थॉट वाज थोरली ऑनेस्ट प्रूव टू बी अ स्विंडलर। आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है, और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। द मैन हुम आई थॉट वाज थोरली ऑनेस्ट प्रूव अ स्विंडलर, तो कौन सा सेंटेंस के लिए करेक्ट होगा। हम देखिए यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को जानना होगा। द मैन यहाँ पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का, हुम आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर आई सब्जेक्ट हो गया है, उसकी वर्ब हो गई है थॉट, ये यहाँ पर काम खत्म। फिर एक और वर्ब आ रही है वॉज, ये हो गई है द मैन की, वे भी खत्म। वॉज थोरली ऑनेस्ट प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर, प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर। गाइस, द मैन वॉज थोरली ऑनेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं प्रूव्ड, ये वोज वर्ग के साथ आई है, इज एम आर वोज वर्ग के साथ में, या तो एनजी फॉर्म लगाया करते हैं या थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए आई है। टू के साथ बी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में इसमें मेरी राय में तो कोई एरर नहीं है। यहाँ ऑप्शन में क्या कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर प्रूव्ड अ स्विंडलर, तो यहाँ पर वर्ब गायब की गई है। द मैन हु, अगर मैं यहाँ पर हु लगा दूँ तो एक सब्जेक्ट और हो जाएगा मेरे पास में, एक सब्जेक्ट ये रहा, तीन सब्जेक्ट हो गए हैं, और वर्ब हमारे पास एक ये रही और एक वर्ब ये पूरी है, तो वर्ब दो हैं सब्जेक्ट तीन, तो यह काम गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जब आगे, द मैन टू हुम आई थॉट वो थॉरली ऑनेस्ट, यहाँ पर टू लगा दिया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, नो सूनर। यहाँ नो सूनर वाला रूल फॉलो हो गया है, नो सूनर के साथ में हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, फिर उसके साथ में पेयर कंजक्शन देन आया करती है, जो कि यहाँ पर नहीं आई है, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। यस, सेंटेंस में यहाँ पर आपका देन भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। अब गाइस देखते हैं आप ऑप्शन क्या है। द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर द डिविडेंड टिल द नोटिस, यहाँ पर हार्डली आया तो टिल आ गया है। दे हैड नो सूनर डिक्लेयर द डिविडेंड, यहाँ पर देन तो आया लेकिन टी एच ई एन वाला आया, जबकि यहाँ पर टी एच ए एन वाला होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, जो दिया है वो भी रॉन्ग है। यहाँ पर हार्डली वाला रूल आ गया है, हार्डली के साथ भी वही रूल है आपका, हेल्पिंग के साथ आएगी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ वैन आया करता है, जो कि है, तो यानी कि इस सेंटेंस में हर वो चीज़ जो हमें चाहिए है, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पर, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से। सेंटेंस में मन्ने देखिए कह रहा है कि राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप्ड एट हिम, राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर सवार होकर द टाइगर जंप्ड एट हिम, टाइगर ने उसके ऊपर जंप कर दिया। तो गाइस यहाँ दो काम दो अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, घोड़े की सवारी कर रहा है कोई और आक्रमण किया है किसी और ने, यहाँ पर आक्रमण किया द टाइगर ने और घोड़े की सवारी कर रहा है यहाँ पर कोई और। सो गाइस दोनों के लिए ही अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बनेगा ही वॉज
राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप्ड एट हिम। यहाँ पे इससे पहले आप वाइल्ड एज ए कंजक्शन भी लगा सकते हैं, यानी कि ये गलत है, जो दिया हुआ है वो भी गलत है। द टाइगर जंप्ड एट हिम वाइल, ये बिल्कुल करेक्ट है, टाइगर ने उस पर जंप किया वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। यहाँ पर द टाइगर रोड एट हिम, रोड बच्चों राइड की थर्ड फॉर्म है जो कि नहीं होगी, तो यानी कि सेंटेंस का आंसर जो है सिर्फ रह जाएगा सेकंड करेक्ट। आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। गाइस यहाँ एक कंफ्यूजन के साथ सेंटेंस बनाया है, आई सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब इसकी ये रही, तो अच्छा होता कि सेंटेंस कुछ इसी तरह बनता, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन, मुझे तुम्हारी कंडीशंस लिखनी होंगी इन ब्लैक एंड वाइट। ये सबसे आखिरी में जाना चाहिए था, ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है बच्चों लिखित रूप में। यस, तो आई मस्ट हैव इन ब्लैक एंड वाइट, ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन देखते हैं और क्या है, आई मस्ट हैव योर टर्म्स, यहाँ पर डाउन छूट गया इनका, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हुआ। आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपका जो वॉइस है थोड़ा सा लो रहता है वीडियो में, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियोज़ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कायदे में बिल्कुल समय नहीं मिलता है मुझे दिन में, और इस समय भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात हो चुकी है, और जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे बच्चे सो रहे हैं पड़े हुए, तो मैं जोर की बोलूँगा तो ये उठ जाएंगे, इसलिए इतना वॉइस जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब कुल मिला के बात है कि आपकी पढ़ाई ना छूटे, किसी भी तरह से हम लोग आपके लिए वीडियो तैयार करते रहते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वॉज 11:30। चलिए, व्हेन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना काम करता है, पास्ट की दो घटनाएं यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, फिर इट आ गया, फिर सेकंड फॉर्म आ रही है, ये बी की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। 11:30 यानी कि 11:30 हो रहे थे, यानी कि 11:30 बज रहे थे जब, तो यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सेंटेंस हुआ हमारा यहाँ पर देखा जाए तो नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शंस में अगर चलूँ मैं लेकर के आपको तो नो इम्प्रूवमेंट लगाऊंगा। आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस आसान हुआ आपके लिए, क्योंकि सेंटेंस में एक पोर्शन ब्लैक कर दिया गया है, आपको सिर्फ उसी में ही एरर बतानी है अगर है तो, अन्यथा नहीं। ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामाइन द लाइकलीहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन द एरिया। ऑफिशियल्स है तो वर ठीक है, हालांकि ये सब कुछ ठीक ही, आपको सिर्फ ये ब्लैकिश पोर्शन देखना है क्या है। लाइकलीहुड का मतलब होता है बच्चों संभावना, पॉसिबिलिटी, द लाइकलीहुड, तो बच्चों यहाँ पर लाइकलीहुड का तो काम नहीं है। खैर, ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामाइन द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी होता तो फिर यही सही था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगा, आपके पास जो दिया है वो भी गलत है, तो मजबूरन आपके पास ऑप्शन बचता है थर्ड, प्रॉफिट, फ़ायदा। यस, सो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज ऑब्स्टेकल्ड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, और ये आपका एक नाउन है, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल बाधा, अड़चन, रुकावट। हैज है यहाँ पर आया है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ब की जरूरत थी, ये वर्ब नहीं है ऑब्स्टेकल, इसमें ईडी लगाया गया है, ये रॉन्ग है, ये आपका नाउन है प्योर, इसे नाउन ही रहने दें, यानी कि ये आपका नहीं आएगा। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। फैसिलिटेड, फैसिलिटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बच्चों मदद देना किसी को, हेल्प करना किसी को, तो ये तो रॉन्ग हुआ। हैम्पर, देखिए जो वर्ड है और उसका जो मीनिंग है उसी से मिलता जुलता मीनिंग रखेंगे हम लोग। हैम्पर मतलब बाधा, याद रख लें कि हम हर काम में अपना पैर अड़ाते हैं, हम पैर
हैम्पर यानी कि बाधा, बर्डन यानी कि बोझ, आपको जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड करेक्ट, सेवन्थ का सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबेंडन द मैच, बारिश का मौसम होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग मैच को रोक देंगे। अब गाइस जब भी सेंटेंस में हमारा आपका जिरंड से स्टार्ट हो, सो एक चीज़ का ध्यान देखिए स्पेशल कि क्या दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है या दोनों काम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बारिश का काम तो कोई इंसान नहीं कर सकता, ये काम प्राकृतिक है, नेचुरल है और ये काम हम कर रहे हैं। बींग रेनी डे, बारिश का मौसम होने की वजह से वी हैड टू अबैंडन द मैच, हमने मैच को अबैंडन कर दिया। अबैंडन मतलब होता है बच्चों स्थगित कर देना, टाल देना। यस, अब यहाँ पे दूसरा काम तो हम कर रहे हैं लेकिन पहला काम कौन कर रहा है उसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिएगा। अगर दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट एक ही बार चल जाते हैं, लेकिन अगर दोनों काम करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट चाहिएगा। तो यहाँ अच्छा होगा कब इस्तेमाल करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबैंडन द मैच, यानी कि सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। गाइस जो सीजर वर्ड है ये आपका हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं सीजर्स बच्चों, कुछ इस तरह से होती है आपकी। यस, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमेशा पेयर में चलते हैं, सिंगुलर उनका कोई यूज़ है ही नहीं। पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, पैजामास, शॉर्ट्स, निकर्स, शूज, सॉक्स, टोंक्स, सीजर्स, इनको हम लोग सिंगल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका ऐसे कोई यूज़ नहीं है। तो ये आपका बेकार है, ये यूज़ तभी में आएगा जब इसके साथ दो हिस्से होंगे। तो जो ऑलरेडी प्लूरल है उसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, पहली बात तो ये, और उसका ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो गया है, एंड ओल्ड सीजर्स कहूँगा यहाँ पर तो भी गलत हो जाएगा बिकॉज एन आ गया है और जबकि आगे सीजर्स आ रहा है। अब पेयर ऑफ ओल्ड सीजर आप कह सकते हैं तो करेक्ट हो सकता है, अब पेयर ऑफ ओल्ड सीजर कहूँगा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, जो है वो भी रॉन्ग है, तो फिर दूसरे आंसर के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आई इंसिस्टेड टू गो विद मी, सॉरी ही इंसिस्टेड, बच्चों इंसिस्ट का मतलब होता है जोड़ देना, दबाव डालना। जोड़ देना या दबाव डालना, और इंसिस्ट के साथ में कन्फर्म बच्चों हमेशा फिक्स है कि आप या तो इसके साथ में ऑन लगाएंगे या अपॉन लगाएंगे, ऑन या अपॉन, और उसके फिर उनके बाद आप लगाएंगे जीरंड। इंसिस्ट ऑन गोइंग या इंसिस्टेड अपॉन गोइंग, चाहे तो आप यहाँ पर ऑन लगाएं चाहे अपॉन लगाएं, दोनों के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा। ही इंसिस्टेड अपॉन गोइंग विद मी, सेंटेंस का आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ से ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट, उसने बनाई एक्सीलेंट पोर्ट्रेट। गाइस पोर्ट्रेट किसी सीनरी वगैरह को बोलते हैं और उनके बनाने के लिए आप मेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको बनाया जाता है बकायदा चित्रित किया जाता है और चित्रित करने को लगाते हैं हम लोग पेंट्स। ही पेंट्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट्स नहीं आ सकता बिकॉज आगे पोर्ट्रेट ऑलरेडी आ गया है। इलस्ट्रेट मतलब होता है तरह से किसी चीज़ को वैसे ही खाकर तैयार करना, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द डॉग बाइट हिम, कुत्ते ने उसे काट लिया। अब गैस कुत्ता तो एक ही है, अगर कुत्ता एक है तो यहाँ पर बाइट की स्पेलिंग में ऐसी ई एस आना चाहिए अगर सेंटेंस को प्रेजेंट बनाना चाह रहे हैं तो, और अगर पास्ट बनाना चाह रहे हैं तो बाइट की फर्स्ट फॉर्म बाइट, सेकंड फॉर्म भी बाइट, थर्ड फॉर्म भी बाइट, बस आखिरी का ई हट जाता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, अगर आप इसे ठीक करना चाह रहे हैं तो आप इसमें बाइट्स भी लगा सकते हैं या फिर आप इसका ई हटा सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब चलूँ तो यहाँ पर ई हटा हुआ है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो। गाइस टेक और गिव ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनका हिंदी मीनिंग होता है टेक माने लेना, गिव माने देना। लेकिन जब आप टेक या गिव के साथ में टेक या गिव के साथ में आप एग्ज़ाम, पेपर, टेस्ट कुछ इस तरह के वर्ड लगाते हैं तो इनका मीनिंग उल्टा हो जाता है। टेक माने देना और गिव माने लेना। यस गाइस, तो अगर देखा जाए तो यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है किसी प्रकार से भी, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो, नो इम्प्रूवमेंट, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि द इनकन्वीनियंस ऑफ चाइल्ड वॉज ऑब्लिटरेटेड, गैस आपको देखना है कि यहाँ पर इस वर्ड की जगह और क्या वर्ड आ सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप लोग डिसीजन लेंगे। जैसे कि गैस ने कहा ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड की अगर मैं मीनिंग की तरफ चलूँ तो ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है बच्चों मिटा देना, क्या कर देना, मिटा देना या पहुँच देना, या फिर कह सकते हैं कि पहुँच कर मिटा देना, मिटा देना या पहुँचना। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड यानी कि जो बच्चे की इनोसेंस है वो मिट गई है ड्यू टू हार्ड लेबर, मेंटेन, इंक्रीज, डिस्ट्रॉयड। तो क्या उसकी जो इनोसेंस है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। सेंटेंस का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड, उसके ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया उस डीड यानी कि वसीयत पर साइन करने के लिए। सो गाइस अगर मैं इस सब के लिए एक वर्ड लगाना हो तो ही वॉज फोर्स्ड आप लगा सकते हैं, हालांकि ये भी ठीक है जो दिया गया है, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट करना है तो इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर होम ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्टेड, मिस्टर भारत प्रोफेसर थे जिनको सब स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते थे, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। लुकड अप टू, लुकड अप, लुकड ओवर, कोई भी वर्ड नहीं आएगा, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। समवन हैज टेम्पर्ड विद माई लॉक, टेम्पर, टेम्पर मतलब छेड़खानी करना, छेड़खानी करना। तो समवन हैज टेम्पर्ड, किसी ने छेड़खानी की विद माई लॉक, मेरे लॉक के साथ में, सो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्पर की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। यस गाइस ये जो टेम्पर है आपका ये TEMPER टेम्पर वाला है, जबकि यहाँ पर टेम्पर होना चाहिए था TAMPER वाला, ऐसा होना चाहिए था। ये जो टेम्पर है आपका इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार, आपने सुना होगा शांत करना, टेम्पर लूज हो जाना, गुस्सा वगैरह उसका और हो जाना, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड करेक्ट, छेड़खानी करना। सम पीपल हैज़ गैस, सम के साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह के नाउन आते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल सम पीपल है तो पीपल आपका प्लूरल है, इसलिए आपका यहाँ पर हैव आना चाहिए। पीपल के लिए हैज़ नहीं लगा सकते आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी दिक्कत है बच्चों, डिड नॉट ट्राइड भी नहीं होगा, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सम पीपल हैज़, देखिए यहाँ आपका ये रॉन्ग हुआ, तो ये तो आंसर गायब हो गया इससे बाहर। अगले भी चलते हैं, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, सम पीपल हैव, ठीक है, ऑल द लक इवन वेन दे डू नॉट ट्राइड, फिर वही बात बच्चों, डू डज के बाद में सेकेंड फॉर्म आ गई जो कि रॉन्ग है। सम पीपल हैव ऑल द लक इवन वेन दे डू नॉट ट्राई, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट।
एफर्ट बच्चों, ऑफ आ गया है। सो यहाँ पर ऑफ के साथ में प्लूरल होना चाहिए, लेकिन कोशिश का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इन टू कलेक्टिंग द डेटा, बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द कॉन्टैक्ट डॉक्टर टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट वर मेड। तो गैस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये रहा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है। अटेम्प्ट वर मेड, कोशिश की गई टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा हमारा पैसिव स्ट्रक्चर में। तो ये आंसर गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, थर्ड मुझे लग रहा है कि सही होगा। अटेम्प्ट वर मेड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, सेंटेंस का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके गाइस, चलिए यहाँ से मैं अपनी बात को विराम दूंगा, आगे के सेंटेंस करेंगे अगली वीडियो में, अभी फिलहाल इतना ही। ये सोच रहा हूँ चलो 30 तक कर लेते हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम, द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम। तो रनिंग आफ्टर टाइम, रनिंग बिहाइंड टाइम, रनिंग ऑफ टाइम, ये तो बच्चों यहाँ पर घड़ी ट्रेन जो है टाइम से पीछे चल रही है। तो द ट्रेन इज रनिंग लेट, या तो इसे यहीं ख़त्म कर दो, फिर टाइम ना आता, और अगर आता भी तो फिर आपको बाय के साथ लगाना चाहिए था, बाय प्लस टाइम। लेकिन जब उसने सेंटेंस को पूरा किया तो हम भी पूरी बात करेंगे। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, तो समय से पीछे चल रही है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। व्हेन द पार्टी एंडेड, ठीक है, द बैंक पैक अप, जी नहीं, एंडेड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो आप भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, पैकड, यस, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़े, आई मेड अ लेक्चर, आई मेड अ लेक्चर। अब गाइस यहाँ बात करें अगर हम लोग लेक्चर की, तो लेक्चर को मेड नहीं, लेक्चर को डिलीवर किया जाता है। आई डिलीवर्ड लेक्चर। सो लेकिन यहाँ पर डिलीवर ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। यस तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आई गेव अ लेक्चर, आई गेव अ लेक्चर। वैसे भी गाइस गिव गिव नहीं है, बस ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, उन्होंने मुझे खतरे से बचाया। सो गाइस प्रिवेंट का मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, नहीं, दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर, उन्होंने मुझे खतरे से बचाया। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द रूम इज स्मोकी, द रूम इज स्मोकी, बच्चों कमरा जो है धुएंधार है, यानी कि कमरा धुएं से भरा हुआ है। द रूम इज, या तो आप यहाँ पे स्मोगी का इस्तेमाल करेंगे धुएं के लिए, नहीं तो आप द रूम इज फिल्ड विद स्मोक, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेंटेंस पैसिव चला जाएगा, बाकी आगे सब कुछ करेक्ट है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड। आई रियली एंजॉयड द वे द पैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई ऑल्सो वेरी मच लाइक इट्स थीम। आई रियली एंजॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई आई, बच्चों यहाँ पर पहले वर्ब लेंगे आप लोग यहाँ पे, आई लाइक्ड इट्स थीम वेरी मच। यस गाइस तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, हालांकि ऑप्शन दिए हुए होंगे हमें, हम लोग वहाँ चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। आई लाइक इट्स थीम, द एग्जीबिशन ऑफ फैशन शोज थीम, अच्छे यहाँ पर आपको चीज़ दे दिया, आई रियली लाइक इट्स थीम, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। रोनाल्ड माइट फॉल इन द टेस्ट, फॉल द टेस्ट इन विच पॉइंट ही हैड रिसीट इट नेक्स्ट ईयर। रोनाल्ड के साथ लगाया है माइट, माइट के साथ फॉल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है,
द टेस्ट इन विच, ठीक है, पॉइंट नहीं, इन विच केस, यानी कि उस स्थिति में, उस स्थिति में। तो गैस यहाँ पे इन विच टाइम फिर से वही गलत है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, इन विच केस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो, अब गैस यहाँ पर विंडो से बाहर देखा भी उसने ही, और भिखारी भी उसी को दिखाई दिया। सो लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। सेंटेंस आप कुछ इस तरह से बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ही सॉ द बेगर लुकिंग थ्रू द विंडो, जी नहीं, ही लुकिंग थ्रू द विंडो सॉ द बेगर, लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड। ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गैस यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स आपका एक काउंटेबल नंबर है, और काउंटेबल के लिए आप स्मॉलर का इस्तेमाल ना करें तो ये अच्छा होगा। यस, सो ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत। ओके गैस, लास्ट सेंटेंस आज का, द चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस टू कमिट हिज डिपार्टमेंट to a renewed effort to clean up the environment. So the chief minister has promised to commit his department. 30 sentence. Guys, यहाँ commit his administration होना चाहिए था, प्रशासन संबंधित किसी चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं administration का। इसका आंसर फिलहाल आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। Yes guys, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा अभी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना भी एक बार फिर से। यस गैस, सो लगे रहे अपनी तैयारों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।